हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पहले बात कोरोना के संक्रमण को लेकर, जिसको लेकर समय समय पर अधिकारियों की बैठकें हुआ करती हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी इसी को लेकर के बैठक हुई। दरअसल हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पीपी किट्स और जरूरी सामान और सप्लाई को अपडेट करने के बारे में चर्चा हुई। राजीव अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी का गठन किया गया है। देखो, ऐसे है कि आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा कोविड का जो सारा ये अभियान चल रहा है, उसमें जो एक सबसे जरूरी चीज है वो साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स को जो अपना अपडेट करने की है और सप्लाईज को अपडेट करने की है, जिसके लिए एक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पहले से एक हाई पावर्ड परचेज कमेटी बनी हुई है। HMSCL के द्वारा ये प्रोक्योर किया जाता है। अब आप ये देखिए कि अगस्त के महीनों में लास्ट डेज में तो ऑलमोस्ट 25,000 टेस्ट डेली होते थे। अब वो 25,000 टेस्ट अगर रोज करने हैं तो उसके लिए उनको किट्स भी चाहिए, उनको सारा मटेरियल भी चाहिए। तो ये काफ़ी हम रिपीटेडली मीटिंग्स करते रहते हैं। और सेकेंडली जो मेन चीज़ ये है कि पिछले साढ़े चार महीने में जो रेट्स हैं वो इतना फर्क पड़ा है और मार्केट में अवेलेबिलिटी इन सब चीज़ों की इतनी बढ़ गई है कि किसी भी चीज़ को हम लॉन्ग टर्म के लिए फिर परचेज नहीं करते, ना रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत वॉलीटिलिटी है मार्केट में। और इसलिए बार बार परचेज कमेटी मीटिंग में जो हमारे एक नए रेट्स हैं, लोअर रेट्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।